नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है, 8 सेंटीमीटर व्यास की एक अर्ध गोलाकार कटोरी पानी में पूर्णतः भरी है, पानी से पूरा तरह से भरा हुआ है, अर्ध व्यास वाला एक कटोरी है, अर्ध गोलाकार सॉरी कटोरी है, अर्ध गोलाकार यानी कि वह आपका अर्ध गोला हेमिस्फीयर है और उसका व्यास दिया 8 सेंटीमीटर। इसमें 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक कांच की ठोस गोली डाली जाती है, बताइए पानी का कौन सा भाग बह जाएगा ये बताना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कटोरी में कितना पानी है इसको निकाल लेंगे और ये गोली डालने से कितना पानी उसमें कितना पानी निकल रहा है उसको निकालेंगे तो पता चल जाएगा। तो जितना बड़ा गोली होगा, जितना बड़ा गोली का आयतन होगा ठीक है, उतना ही पानी बाहर निकलेगा, तो वह टोटल का कौन सा भाग होगा वह बताना है। तो पहले यहां पे हम लोग लिख लेते हैं अर्ध अर्ध गोलाकार कटोरी की त्रिज्या, कैपिटल आर ले लेते हैं, 8/2, व्यास 8 है ना जी, तो त्रिज्या 8/2 हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर, समझिए। तो अर्ध गोलाकार कोई कटोरी है ठीक है, समझे ना, अर्ध गोलाकार कटोरी है इसमें पानी पूरा भरा हुआ है। अब इसमें क्या करना है कि एक गोली डालनी है ठीक है, एक छोटा सा कांच की गोली डालनी है जिसका यहां पर व्यास दिया है 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या उसकी क्या हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी। तो जितना बड़ा गोली डालेंगे उतना ही ना पानी बाहर निकलेगा जी, तो लिखेंगे गोली की त्रिज्या, गोली की त्रिज्या, इसे मैं छोटा से डिनोट कर देता हूं, गोली की त्रिज्या छोटा से डिनोट कर देता हूं, और आर बराबर में हो जाएगा 4/2, व्यास का आधा 2 सेंटीमीटर। तब कह रहा है पानी का कौन सा भाग बह जाएगा, तो लिखेंगे यहां पर दोनों का आयतन निकाल लेते हैं, यहां पर लिखेंगे, या फिर एक और काम कर सकते हैं, ये गोली के आयतन में से इसके आयतन में भाग कर देंगे तब भी पता चल जाएगा। तो लिखेंगे पानी का बहा हुआ भाग, ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, तो लिख देंगे ऊपर गोली का आयतन, गोली का आयतन बटा में अर्ध गोलाकार कटोरी का आयतन, समझे ना। तो गोली का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब, और अर्ध गोलाकार कटोरी का आयतन 2/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब, क्योंकि उसकी त्रिज्या हम लोग कैपिटल आर से डिनोट किए हैं। तो ये देखो यहां पर पाई से पाई गया, 3 से 3 गया, और इससे काटेंगे दो बार में, 2 इसका त्रिज्या है, छोटे वाला त्रिज्या यानी कि गोली की त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 2 × 2, और इसका आर क्यूब यानी कि 4 × 4 × 4, कैपिटल आर 4 है, हो गया। तो यहां देखो ये 2 × 4 से कट जाएगा, 2 × 4 से कट जाएगा, यानी कि 1/4 भाग बह जाएगा, समझ गए ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन।